नमस्कार, आप देख रहे मिर्ची वेब सीरीज यूट्यूब चैनल। कोमल भाभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और वो अपने देवर के साथ एक घर पे अकेली रहती थी। उसके देवर बहुत ही ज्यादा बड़ी एक लेखक थे, लेकिन वो हमेशा रोमांटिक रोमांटिक कहानी ही लिखते थे और हमेशा कोमल भाभी ने उसके देवर को बुलाते थे ताकि वो भी वो उस तरह कहानी सुने और अपने दिल उसका खुश हो। तो उसके देवर भी हमेशा उसके पास आते थे और इस तरह से कहानी उसको सुनाते थे। तो कोमल भाभी जब अकेले घर पे थे तब उसका देवर नहीं था, तब वो पहले वाले जो घटना है वो याद करते करते बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो चुके थे हमेशा, क्योंकि वो अकेले ही रहती थी। तो एक दिन कोमल भाभी ने घर पे अकेले थे और इतने ज़्यादा मदहोश हो चुका था कि अपने आप ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट में बिताने लग जाती है। अगले दिन सुबह जब कोमल भाभी घर पे अकेले थे तब उसके देवर ने आए और सारे घर साफ करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि घर पे और कोई नहीं था और नौकर भी नहीं था। तो उसका देवर घर साफ कर रहा था, लेकिन अचानक वो देखा कि कोमल भाभी ने अपने मतलब तेल लेकर अपने पैरों में मसाज कर रही है। और कोमल भाभी ने उसको बुलाने लगी अपने देवर को और बोलने लगी कि तुम अगर मतलब मेरे पैरों में मसाज कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सुनते हुए उसके देवर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कोमल भाभी के पास वो पहुँचे, क्योंकि वो भी मन में मन बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करते थे। तो कुछ टाइम बाद कोमल भाभी के पास वो पहुँच गया और तेल लेकर उसके पैरों में मालिश करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही बढ़िया एक वेब सीरीज है। इसी तरह से रोमांटिक वेब सीरीज का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल मिर्ची वेब सीरीज का जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से रोमांटिक वेब सीरीज का अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।